तो इस वक्त जोधपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, मत का प्रयोग करने के लिए मतदान के लिए पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत वो भी जोधपुर में इससे पहले अपना मत डाल चुके हैं और अब यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आए हैं। सरदारपुरा सीट से प्रत्याशी हैं वो भी चुनाव मैदान में इस वक्त ताल ठोक रहे हैं और इसके अलावा मतदाता भी हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मतदान करने के लिए यहां पर आए हैं। इससे पहले हमने मुख्यमंत्री का बयान भी आपको सुनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ नहीं दिखाई दे रही है और कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से रिपीट होगी। तो ये इस वक्त की तस्वीर एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर जोधपुर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास की तस्वीरें ऐसा लग रहा है कि दिखाई दे रही है और उसके बाद अपने आवास से अपने घर से वो मतदान के लिए निकलेंगे और काफी संख्या में वहां पर स्थानीय कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ कांग्रेस के नेता भी वहां पर मौजूद है। उम्मीद वहां तमाम मीडिया कर्मियों को ये है कि मुख्यमंत्री बाहर जब निकले तो अपनी बातों पर सुनते हैं। अच्छा पहले वैभव गहलोत को सुनते हैं। जी बिल्कुल, जोधपुर में हम हैं और वैभव गहलोत हमारे साथ हैं। अशोक गहलोत पहुंचे हैं अपनी बहन के यहाँ और इसके बाद यहाँ से जाएंगे मतदान करने के लिए। वैभव जी बड़ा दिन आज, किस तरीके का भरोसा है आपको? और भरोसा है जिस तरह से सरकार समर्पित रही 5 साल जनता के लिए, सरकार समर्पित रही गरीबों के लिए, चाहे योजना एक से बढ़कर एक शानदार है। और मैं मानता हूँ चाहे ओपीएस हो, ये देखिएगा आप जो 7 गारंटियां आई है, मास्टर स्ट्रोक साबित होगा कांग्रेस का राजस्थान में। कई तरह के आरोप लगे, लाल डायरी का जिक्र आया, आपका आपको लेकर के भी निशाने साधे गए। आज वोटिंग के दिन आप क्या इन चीजों पे जवाब देना चाहेंगे? क्या ये चुनौती बनी कांग्रेस के लिए? मनगढ़ंत बातें, मनगढ़ंत डायरियां, भगवान जाने कौन सी डायरी है, कौन सी बातें, मनगढ़ंत बातों का कोई जवाब नहीं। कितनी सीटें जीतने का कॉन्फिडेंस आपको है? पार्टी कितनी सीटें आपकी हमें लग रहा है? मेजोरिटी में। वैभव जी एक सवाल ये बताइए, अशोक गहलोत ने कल एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि 200 सीटों पर वो ही चुनाव लड़ रहे हैं ये सोचकर मतदाता वोट करें, लेकिन सचिन पायलट ने कहा कि कोई एक व्यक्ति जो है वो 200 सीटों पर नहीं लड़ सकता। कांग्रेस का सिंबल ये लड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वोटिंग के दिन भी ये जो गहलोत बनाम पायलट विवाद है वो फिर सतह पर आ गया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्ता लड़ रहे हैं सभी जगह, कार्यकर्ता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री जी का फेस है। उस पर जनता की गारंटी लगेगी? सातों गारंटी मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं है वो क्या गारंटी दे रहे हैं गलत को? वो लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं वो खुद बौखलाहट भरी बातें हैं उनकी, उनको खुद लग गया है कि राजस्थान उनके हाथ से निकल गया। इतने कॉन्फिडेंट है जो रिवाज रहा है तो आपको लग रहा है इस बार रिवाज बदल जाएगा? लोग जो है वो रिवाज बदल रहा है तभी तो बौखलाहट भरी बातें आ रही हैं। कितना फेक हर बार जो कर रहे थे 2003 में सरकार जब गई तो वो 56 सीट पर आ गए थे, 2013 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो वो 21 सीट पर आ गए थे, इस बार लगता है कहाँ नंबर कहाँ होगी? आप इनका मेजोरिटी होगी सर? लाल डायरी में कई मनगढ़ंत कहानी आई आपने, क्या उनका मनगढ़ंत कहानियों का मैं कोई जवाब नहीं। वैभव जी ये बताइए, एक बेटे के तौर पे क्या आप चाहेंगे कि बहुमत फिर से मिला तो चौथी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान पार्टी विधायक कर रहा है। तो आप पार्टी के नेता के तौर पे बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बेटे के तौर पे पार्टी का नेता ही खड़ा है ना भैया। देखिए हम लोग तो अशोक गहलोत के बेटे से बात कर रहे हैं तो उसके तौर पे हाईकमान विधायक करते हैं। सचिन पायलट जिस तरह कमी है, अगर पूरा देखा जाए तो वो जो कोशिश की गई थी दिखाने के लिए कि सचिन और गहलोत एक साथ खड़े हैं, हम सब एक नहीं हम सब एक कोशिश किया गया कि दोनों सब एक है सब वो बोल रहे हैं आप, लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ हम सब। सर आप मारवाड़ में रहे, जोधपुर में प्रचार किया, क्या रिस्पॉन्स आपको लग रहा है? शानदार, मैं तो पूरे मारवाड़ में झांझा गया हूँ, शानदार पूरे राजस्थान में, कोटा संभाग में गया, चाहे अंता बारा हो, सब जगह शानदार रिस्पॉन्स आप देखिएगा।
मैं चाहूँगा आज कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दें ताकि योजनाएं और सरकार के जो सबसे अच्छे और बेहतरीन कार्य रहे, 5 साल जनता को समर्पित रही सरकार, आने वाले 5 साल भी जनता के लिए। थैंक यू। तो सुना आपने रोमाना, वैभव गहलोत अशोक गहलोत के बेटे कॉन्फिडेंट है, मुकेश लोकसभा चुनाव लड़ा था। वैभव गहलोत को आप सुन रहे थे जहां पर उन्होंने लाल डायरी का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि किस लाल डायरी की बात कर रही है बीजेपी।